तो दोस्तों आज किस टाइम सीखने वाले हैं और जानने वाले कि हमारा जो फोन होता है वो स्लो कैसे हो जाता है, हमारा फोन जो हैंग करने लगता है वो हैंग क्यों करता है, उसका क्या कारण होता है। तो आज की शुरू आपको लास्ट तक देख लेना। नमस्कार दोस्तों, मैडम काश आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस हमारा जो पहला टिप्स होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारा फोन जो स्लो होता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि महत्व रखता है हमारा फोन का स्टोरेज। हाँ गाइस, आजकल के फोनों में आपने देखा होगा कि 4GB रैम, 2GB रैम, 6GB रैम इस तरह के फोन आते हैं। ये क्यों आते हैं? क्योंकि जितना ज्यादा रैम अच्छा होगा उतना ज्यादा फोन बहुत ज्यादा फास्ट चलेगा। गेमिंग जैसे फोनों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रैम। अब गाइस क्या होता है कि रैम के साथ स्टोरेज का भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि आज के समय में जितने भी फोन लेंगे आप न्यू मॉडल्स में तो उसमें 64GB तो मिनिमम स्टोरेज रहती है, साथ में 4GB का रैम हर फोन पे जो कि मिलता है। जो आपका फोन स्लो होता है उसका मेन कारण होता है आपके फोन का स्टोरेज जो कि फुल हो जाता है और आपके फोन पे स्पेस नहीं रह पाता, इसीलिए आपका फोन काफी ज्यादा स्लो होता है। जैसे कि आप किसी एप्लीकेशन को या पबजी जैसे गेम को प्ले करते हैं तो गाइस पबजी जैसे गेम को प्ले करने के लिए आपको स्टोरेज नहीं लगता, साथ में उसमें रैम भी लगती है और कुछ आपको स्पेस भी देनी पड़ती है। लेकिन आपका स्टोरेज जैसे फुल होता है तो वैसे गाइस आपका फोन काफी ज्यादा हैंग करने लगता है। आप किसी भी गेम, जो कि मैंने पबजी का सिर्फ उदाहरण दिया आपको, जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन को आप यूज करते हैं तो उसके लिए स्पेस लगता है और स्पेस ना होने की वजह से हमारा फोन फिर रुक रुक के चलने लगता है, हमारा गेम हैंग करने लगता है या हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो एप्लीकेशन भी हैंग होने लगती है। तो ये कारण होता है गाइस स्टोरेज फुल होना, और स्टोरेज जब फुल होता है तो हमारा फोन ऑटोमेटिक स्लो हो जाता है, हमारा फोन कभी कभी हैंग भी करने लगता है। तो यदि आप अपने फोन को हैंग होने से रोकना चाहते हैं तो हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि 30-25% तक आपको अपने फोन का स्टोरेज खाली रखना चाहिए, जिससे कि आपका फोन कभी भी हैंग या स्लो ना हो पाए। अब जो हमारी दूसरी टिप्स है उसमें आता है लाइव वॉलपेपर और विजेस जैसे एप्लीकेशन, जैसे कि मौसम का हालचाल बताना आपने अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे लगाया होगा, आपने देखा होगा। तो गाइस क्या होता है कि हमारे फोन पे जो कि इस तरह के लाइव वॉलपेपर लगे रहते हैं जिसमें से एनिमेशन जैसा चलता ही रहता है, तो ये भी हमारे फोन को काफी तक स्लो करती है, क्योंकि ये फंक्शन हमारे फोन पे जो सॉफ्टवेयर होता है हार्डवेयर होता है उसमें रन करता ही रहता है, हमारे प्रोसेसर पे जो कि लोड बना रहता है। तो इस कारण भी हमारा फोन कई हद तक जो कि स्लो होता है, और इस वॉलपेपर या इस तरह की वजह से लगाने से हमारा फोन कम से कम 10 से 15 मिनट इस कारण की वजह से स्लो होता है और हमारा फोन हैंग भी करता है। तो यदि आप अपने फोन को हैंग नहीं होने देना चाहते तो आपको कभी भी ऐसे जो कि एप्लीकेशन को लाइव वॉलपेपर जो कि फोन को अच्छा दिखाने के लिए वाल डिस्प्ले को, तो आपको लाइव वॉलपेपर का यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका फोन काफी हद तक जो कि लंबे समय तक स्लो नहीं होने वाला, हैंग आपका फोन नहीं करेगा। अब जो हमारा तीसरा टिप है वो वॉलपेपर से मिलता जुलता है। हाँ गाइस, वॉलपेपर हम क्यों लगाते हैं लाइव वॉलपेपर कि हमारा फोन का डिस्प्ले काफी अच्छा दिखे। तो ऐसे में गाइस हम अपने फोन को और भी अच्छा दिखाने के लिए हम अपने फोन पे लॉन्चर एप्लीकेशन को यूज करते हैं, जिससे कि हमारे फोन का पूरी तरह से थीम ही चेंज हो जाता है। जो एप्लीकेशन के आइकन होते हैं वो फ्लॉर हो जाते हैं या बहुत ज्यादा अमेजिंग, जैसे आपने बहुत सारे थीम लॉन्चर एप्लीकेशन देखा होगा, तो इस तरह के एप्लीकेशन को भी हम अपने फोन पे इंस्टॉल करते हैं तो हमारा फोन काफी हद तक स्लो होता है, क्योंकि लॉन्चिंग की एप्लीकेशन भी हमारे फोन का काफी हद तक रैम कंज्यूम करती है, साथ में हमारे फोन की बैटरी और साथ में हमारे फोन का रैम और साथ में हमारे फोन का स्टोरेज भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह की लॉन्चिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके भी हमारा फोन काफी हद तक स्लो होता है, तो लॉन्चिंग एप्लीकेशन को भी आपको यूज नहीं करना चाहिए अगर आप अपने फोन को फास्ट रखना चाहते हैं। तो देखो गाइस, अगर आपका फोन काफी तक स्लो चलता है, आपका फोन काफी ज्यादा हैंग कर रहा है, तो आपको करना क्या है, आपके फोन पे काफी ज्यादा एप्लीकेशन होंगे तो उसमें से आपको ये डिसाइड करना है कि आपके फोन पे जो एप्लीकेशन है जिसे आप कभी यूज नहीं करते या आपके काम के नहीं होते तो आप उन एप्लीकेशन को अपने फोन से डिलीट कर दीजिए। एंड डिलीट करने के बावजूद हो सकता है आपके फोन का स्टोरेज खाली ना हो, तो आपको करना क्या है, आपके एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है फोन मास्टर, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तुरंत आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को आप ओपन कर लोगे तो कुछ परमिशन मांगे तो दे देना और डायरेक्टली वहां से जैक फाइल एंड अपने फोन को बूस्ट कर लेना, जिससे कि आपके फोन पे जितने भी कुकीज फाइल या आपके जंक फाइल जमे होते हैं आपके फोन के स्टोरेज पे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे और डरिएगा नहीं, आपके पर्सनल चीजें डिलीट नहीं होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो होता है हमारे फोन पे जो एसडी कार्ड लगा होता है वो भी फुल हो जाता है, तो हमारे फोन को काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देखो गाइस एसडी कार्ड का महत्व बहुत ज्यादा होता है हमारे फोन को स्लो करने का। सबसे पहला कि एसडी कार्ड से हमारे फोन पे बहुत ज्यादा वायरस आ जाते हैं, वो वायरस कोई भेजे या ना भेजे वायरस आपके फोन पे ऑटोमेटिक बन जाते हैं एसडी कार्ड से। वो कैसे, तो देखो गाइस आपके एसडी कार्ड में काफी दिनों से मतलब काफी पुरानी सालों की फोटोज या बहुत ही पुरानी फाइलें या म्यूजिक वीडियोस पड़ी रहती हैं, तो गाइस उन फाइल्स के कुकीज फाइल या जो कैश फाइल्स होते हैं वो एसडी कार्ड की एकदम से वायरस जैसा काम करने लगते हैं और आपके फोन को काफी तक स्लो कर देते हैं। तो एसडी कार्ड को भी आपको ज्यादातर जो कि खाली रखना चाहिए, फुल का फुल नहीं रखना चाहिए। यदि आप एसडी कार्ड को भी 30-35% तक खाली रखते हैं तो आपका फोन काफी तक फास्ट रहेगा और आपका फोन स्लो नहीं होगा। अब गाइस यदि आप अपने फोन से फालतू के एप्लीकेशन को भी अनइंस्टॉल कर देते हैं और जो मैंने
टिप्स बताए, आप उसे अच्छी तरीके समझ के आप वैसा करने लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका फोन हैंग कर रहा है, आपका फोन स्लो ओपन हो रहा है, तो सिंपली आपको करना क्या, आपको अपने फोन को जो कि रिस्टार्ट करना है, जो कि पावर ऑफ कर देना है, और उसके बाद कुछ मिनट बाद जो कि 10 से 5 मिनट बाद वापस से पावर ऑन करें, देखिएगा आपके फोन पे काफी ज्यादा इंप्रूव, जो कि आपको काफी ज्यादा अच्छा कुछ दिखने वाला है। अब जो मेरी लास्ट टिप्स है, इसे आपको ध्यान से समझ लेना है। यदि आपका फोन ये सब करने के बावजूद एकदम से हैंग कर रहा है, आप किसी एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं तो आपका फोन ओपन सही से नहीं ओपन हो रहा, किसी एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं तो ओपन नहीं हो रहा, और आपको लग रहा है कि आपका फोन किसी ने हैक किया, आपके फोन पे किसी ने वायरस डाल दिया, तो गाइस इस सबसे छुटकारा पाने के लिए डायरेक्टली आपको अपने फोन को हार्ड रिसेट करना होगा, जो कि रिसेट करना होगा। यदि आप अपने फोन को रिसेट कर लेते हैं तो आपके फोन पे जितने भी वायरस होंगे, जितने भी कुकीज फाइल या जेप फाइल जो आपके फोन से नहीं डिलीट हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, और उसके बाद जब आप रिस्टार्ट कर लेते हैं तो आपका फोन एकदम से न्यू, जैसे कि आपने पहली बार मोबाइल को परचेस किया था, जिस तरह आपका एप्लीकेशन का मैनेजर वगैरह सब कुछ ओपन हो रहा था, लॉन्चिंग वगैरह, सेम ऑप्शन वैसा ही आपको मिलने वाला है। तो गाइस ये मैंने आपको कुछ टिप बताए हैं जिससे कि आप अपने फोन को हैंग होने से, आपका फोन जो हैंग होता है, स्लो होता है, उसकी वजह बता दिए। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।